क्या कर रहे हैं? क्या खबर सर? यूसुफ भाई का फोन नहीं लग रहा है। कब से? कल से। वो तो अब्दुल के साले से पैसा लेने गया था ना सर। कल से ना ही पैसा आया ना ही यूसुफ भाई। ऐसा पहली दफा हो रहा है कि यूसुफ का फोन भी बंद है और जो पैसा लेने गया वापस लेकर नहीं आया। कुछ तो गड़बड़ है। इसको अजय को कॉल करो, उससे बोलो कि यूसुफ का पता लगाए और जो भी फोन उसका है मुझे तुरंत खबर करना। ठीक है? ओके। अब क्या प्लान है? तू यहीं रुक, मैं आता हूँ। कहाँ कहाँ जा रहे हैं? जो बीज मैंने बोए हैं वो पौधा बन गया है। थोड़ा खाद डालने जा रहा हूँ, तभी तो वो पेड़ बनेगा। सर, आप आज सर से नहीं मिल सकते, वो यहाँ नहीं है। चल झूठी। सर आप ऐसे नहीं मिल सकते सर। सर मैंने इनको मना किया था बट ये जबरदस्ती अंदर आ गए हैं। तुम जाओ। जी सर। तेरे से मना किया था ना आने के लिए, क्यों आया फिर? अंगूठी मिली? नहीं मिली। चल कर। क्या भाई, मेरी माँ की अंगूठी थी वो। सुन बे, अब अगर तू दोबारा इधर देखा ना तो तुझे तेरी माँ के पास पहुंचा दूंगा, समझ गया? निकल निकल। कह रहे तो मैं जा रहा हूँ। जल्दी जा रहा हूँ। मैं एक मिनट। एक मैसेज है, रश्मि ने भेजी थी मुझे। ये मेरे बेबी का नंबर नहीं है। लेकिन वो तो मुझे इसी नंबर से कॉल करती है। मैसेज निकल रखा थी, गोली मार। आगे आ जा। अब कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ। जल्दी जा रहा हूँ भाई। अगर तूने अब मेरी बीवी पे कोई इल्जाम लगाया ना, इधर दिखा भी। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ भाई, बस पूछ लीजिएगा, होता है। चल निकल। हाँ निकल जल्दी। नंबर 6। भागे भाग। चल यहाँ का काम तो हो गया, अब रश्मि के पास चलते हैं। कहीं जा रही थी? हाँ मुझे कुछ जरूरी काम था। ओह, शायद यूसुफ से मिलने जा रही थी, है ना? रश्मि जी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यूसुफ से मिलने जा रहे हैं या किसी और से। यूसुफ के मोबाइल पे आपका लास्ट कॉल था। क्यों था? आपके घर पैसे पहुंचे नहीं पहुंचे, आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ जेगम चाहिए। एक्सक्यूज मी, मैं आपका वॉशरूम यूज कर लूं? थैंक यू। रश्मि जी, आप तो फिर से सोच में पड़ गई, हमारी बात मान जाइए और जेगम को पकड़ने में हमारी मदद कीजिए।
रश्मि जी, मैं आपको आखिर बार समझा रहा हूँ। जब जेगम को पता चलेगा कि आप उसके पैसे को चोरी छुपे अपने घर भेजती हैं, तो वो उस दिन वही भेड़िया बन जाएगा जो भेड़ की शक्ल में अपना चेहरा छुपा के बैठा है। आप समझदार लगती हैं, सोचिएगा। उसने बताया कि यूसुफ की कार कल रात से रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी हुई है। अब्दुल के साले जावेद ने यूसुफ को पैसे दे दिए थे। पहले जावेद के घर के पास एक पान वाला है, उसने अजय को बताया यूसुफ वहां से एक बड़ा सा बैग लेकर निकला। कोई खबर आए तो बताना। अच्छा, उतारो इसको। एक मिनट रुक, गाड़ा है इसका तो उतार फिर भी। दोबारा इसके अंदर नहीं जाना चाहता है तो शुरू हो जाए। मैंने यूसुफ को पैसा तुम्हारा बैग दे दिया था, मैंने एक भी पैसा नहीं लिया। यूसुफ, पानी पिलाओ इसको। माजरा क्या है समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत दिनों बाद आप इतनी जल्दी घर आए और बहुत दिनों बाद आपको ऐसे रिलैक्स होते हुए देखा। हाँ, पति अचानक घर लौट आए, कुछ पत्नियों का चौंकना तो बनता है। गई कहाँ थी? पार्लर गई थी। पार्लर? 5 दिन पहले कहाँ गई थी? हाँ, वो हेयर स्पा करवाना था और जिसे करवाती हूँ वो आई नहीं थे। आइए, पास बैठिए। इधर तो पता ही नहीं क्यों फोन है। किसका फोन है? पता नहीं। पढ़ क्या लिखा है? मुझे नहीं पता ही। मेरे पीठ पीछे सालों से चल रहा है। क्या नहीं दिया यार तेरे को? प्यार, इज्जत। सच सच बता, तेरा अफेयर संजय के साथ चल रहा है कि नहीं? कैसा अफेयर? कौन संजय? मैं किसी संजय को नहीं जानती। ये क्या है फिर? मुझे नहीं पता ये किसकी अंगूठी है। कमीने संजय को कैसे पता चला कि तेरे पीठ पर और तेरे घुटनों पे चोट के निशान है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। मुझे आप समझ में आया
पार्टी वाली रात को यूसुफ को अपने साथ लेके क्यों नहीं गई? इसलिए ना कि तूने जो पाप किया है वो किसी के सामने ना, किसी के सामने ना। जिंदा रहने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। क्यों छोड़ू तुझे? कितना भरोसा किया था तब मैंने, कितना अगर कोई व्यक्ति किसी के मन में लगातार जहर भरता रहे तो एक दिन वो जहर फूटकर बाहर आ ही जाता, और इसी तरह जेगम के अंदर भरा हुआ जहर भी एक दिन बाहर आ ही गया। सच क्या है, कौन किसके साथ है, क्या गेम खेल रहा है, ये कोई नहीं जानता था। जेगम के अंदर का जानवर अब जाग चुका था और एक बड़ा सवाल था कि जेगम के इस हिंसक व्यवहार के बाद रेशमा क्या करेगी? क्या वो अपने पति के खिलाफ जाकर उसे पकड़वाने में सीबीआई की मदद करेगी? इन सभी सवालों के जवाब अब मिलेंगे, देखते रहिए। तो फोन आ जाना चाहिए था ना। हाँ बोलिए रश्मि जी। मुझे मिलना है आपसे। हाँ तो दो घंटे के बाद मिलते हैं, आपके घर के बगल में एक होटल ऑर्किड है, वहीं मिलते हैं। मैंने कहा था ना फोन आएगा। फिर अब क्या करना है? अब करना नहीं है, तमाशा देखना है। रश्मि जी ये चश्मा क्यों पहना आपने? आपकी आंखों में ऐसी कौन सी राज है जो आप मुझसे छुपाना चाहती हैं? और ये निशान कैसे? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट लग गई थी। आपको छुपा रही मुझसे, सच सच बताइए कि हुआ क्या है। सच बोल रहे थे, जेगम के अंदर का जानवर बाहर आ गया। आप ये बताइए मुझे क्या करना है? सीबीआई की थोड़ी सी मदद। अगर जेगम को पता चल गया तो मुझे तो मारेगा ही, मेरे परिवार को भी मार देगा। आपको कुछ नहीं होगा रश्मि जी, कुछ नहीं होगा आपको, ट्रस्ट मी। बस आप वही कीजिए जो मैं कह रहा हूं।
जब भी देखती हूँ ऐसा लगता है कि आपको पहले भी कहीं देखा है। जाने पहचाने से लगते हैं। ये आपने पहले भी कहा है। आप इन सबको छोड़िए और काम पे फोकस कीजिए। आ गया तो तू मुझे देख के चिढ़ क्यों जाती हो भाई? अरे तू जा यार यहाँ से जा। भाई मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। वो रश्मि दूसरे नंबर से फोन किए, फिर से मिलने बुलाई। वो स्त्री है भाई, कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं उसे रंगे हाथों पकड़वा सकता हूं। कैसे? कल वो मुझे ऑर्किड होटल में बुलाई है, आप भी आ जाओ और देख लो। और भाई वो माँ की अंगूठी दे दो भाई, जा रहा हूं, कल ऑर्किड होटल में आ जाइएगा। आगे का प्लान क्या है? रश्मि आएगी, रश्मि रूम बुक करेगी, रूम में जाएगी, मैं उसके पीछे जाऊंगा, मैं उसे समझाऊंगा, उसकी चाबी लेके नीचे आऊंगा। तब तक जेगम आ चुका होगा, मैं वो चाबी जेगम को दूंगा, फिर मैं ऊपर जाऊंगा। जेगम मेरे पीछे उस चाबी के साथ उस रूम को खोलेगा, रश्मि से लड़ेगा। हो सकता है कि वो रश्मि पे गन भी तान दे, और ऐसे सिचुएशन में मैं जेगम को शूट कर दूंगा। क्या खबर यूसुफ की? सर यूसुफ का कुछ पता नहीं चला। अजय ने ये कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए थे, ये मुझे दिए उसने। मैं काम करना, शाम की जितनी मीटिंग है सब कैंसिल करो मेरी। ओके सर। ठीक है। ओके। हेलो मम्मी, पैसे मिले क्या आपको? नहीं मिले। ठीक है मैं पता करती हूँ। यूसुफ का फोन नहीं लग रहा है, उसके घर जाके देखना पड़ेगा। हेलो, मैं होटल आ रही हूँ। यूसुफ ने आखिरी कॉल रश्मि को किया और उसी के बाद से यूसुफ गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रश्मि यूसुफ के साथ मिलकर मेरे पैसे लूटना चाहती है और उसके बाद अपने यार के साथ भागना चाहती है? कोई बात नहीं, अब ये किस्सा खत्म करना ही पड़ेगा, और ये किस्सा खत्म करेगी तू। शायद सही कह रहा है वो संजय, ये औरत भरोसा करने लायक है ही नहीं। शतरंज की बिसात बिछ चुकी थी, प्यादे थे रेशमा और जेगम, जिनको संजय अपने हिसाब से चला रहा था। संजय ने अपने प्लान के हिसाब से रेशमा और जेगम को अपने होटल के कमरे में बुलाया था। क्या वो वाकई रेशमा को जेगम से बचाना चाहता था, या फिर जेगम को यह दिखाना चाहता था कि रेशमा उसके साथ है? प्लीज संजय, रश्मि
तक जेगम आता ही होगा, उस पर नजर रख दो, कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे बता, ठीक है? रश्मि जी, मैं हूं इंस्पेक्टर दिनेश। देखिए रश्मि जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। कह रहा था कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि जेगम को मुझ पे शक हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको ऐसी जगह शिफ्ट कर दूंगा जहां जेगम आपका कुछ नहीं कर सकता है। इस डायरी में उन सभी लोगों के नंबर हैं जिनके लिए जेगम इलीगल काम करते हैं, उनके सारे बैंक डिटेल्स और सारे काले धंधों की डिटेल है इसमें। ये किस लिए? आपकी सेफ्टी के लिए, जरूरत पड़ सकता है। मैं नीचे जाके टीम को ये डायरी देता हूँ और इसके बाद मैं आपको ऐसी जगह शिफ्ट कर दूंगा जहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब मैं आपकी बेडरूम में आपकी वाइफ के साथ सारे जज्बात के सीमाओं को लांघ रहा था तो मेरी अंगूठी वहां गिर गई भाई, उसे वापस दे दीजिए प्लीज। बेडरूम की चाबी है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप थोड़ी देर बाद जाना। सब प्लान के मुताबिक चल रहा है, आप बहुत जल्द आजाद हो जाएंगी। रश्मि जी, कुछ नहीं होगा आपको, यकीन मानिए मेरा, मैं हूं ना।
मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें पहले भी मेरा हक था? घबराना बेटा। हाँ ठीक है, आप खेलिए, हम मार्केट से होके आते। मम्मी पापा साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। हाँ बड़े होके हम भी साथ में ऐसे चलेंगे। कौन है तुम? नीचे गिर गई तो? जैसा आप समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो जो तू समझाना चाहती है वो समझा। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या कमी थी सिर्फ इतना पता है, जो तूने इसके साथ मिलकर मेरे साथ मक्कारी फरेब किया। आप गलत समझ रहे, मैंने आपके साथ कोई गद्दारी नहीं की। विश्वास तो करिए। विश्वास? क्या विश्वास करूं कि जिसको मैंने अपनी पलकों पे बैठाया उसने मेरे सबसे पुराने आदमी यूसुफ के साथ मिलकर अपने अय्याश दोस्त के साथ भागने की तैयारी की मेरे पैसे लूटकर? मैंने सब कुछ भी नहीं किया है। हाँ मैं पैसे भेजती थी थोड़े अपने घर, लेकिन आपके बाकी पैसों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तुझे जिंदा रहने का हक नहीं। कोई होशियारी नहीं, रश्मि बेकसूर है, ये सारा नाटक मेरा है। गन को नीचे रखते हैं, मैं तो गोली मार दूंगा। तू मुझे गोली मारेगा चिलगोजा? औकात है तेरी? मेरी औकात तेरे समझ से बाहर है जगम। लेकिन तू मुझे सिर्फ एक बात बता कि ये मेरा ज्यादती मामला है, तुझे क्या इंटरेस्ट है? बता। याद कर 15 साल पहले। ये मम्मी पापा ने आपको आउट कर दिया। पापा जीत गए। ये जगम आ गया। बेटा आप अंदर जाओ, आप अंदर जाओ, जगम आ गया। पैसे देते हो? नहीं देते हो? कोई पैसा नहीं है मेरे पास, नहीं दूंगी। मेरी नजरों के सामने मैंने घर को शमशान बना दिया था तूने, और मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन के ले गया था। हिसाब चुकता करना है, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था तुझे मैं। मैंने तब तेरी मोहब्बत छीनी और आज तूने मेरी मोहब्बत छीन के मुझे जीते जी मार डाला। अच्छा क्यों, अब जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी है मेरी। लेकिन जिसने मुझे इतना भयानक दर्द दिया उसको जिंदा तो नहीं छोड़ सकता ना। मैं डॉक्टर को फोन करता रश्मि। जब बहुत देर
बहुत देर नहीं हुआ हैरेसमेंट, मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ बहुत देर, अभी बहुत बड़ी जिंदगी बाकी है, मैं वो बाकी की जिंदगी तुम्हें अच्छा देना चाहता हूँ। काश तुम पहले आए होते, शायद हमारी किस्मत में ही नहीं था। किस्मत में है रश्मि, अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सालों के बाद हम मिलते ही नहीं, और जब हम मिल गए तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाना था रश्मि, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ रश्मि, बहुत सालों से तुम्हारा इंतजार किया मैंने, प्लीज रश्मि, रश्मि संजय और रेशमा बचपन से ही एक दूसरे को प्यार करने वाले दो प्रेमी थे। जेगम ने सिर्फ संजय के माता पिता को ही नहीं मारा, बल्कि उसके बचपन के प्यार को भी जबरदस्ती भगाकर ले गया, और एक छोटा सा बच्चा सहाय सा देखता रह गया। लेकिन 15 साल बाद वही बच्चा अपने प्यार को फिर से पाने के लिए अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जेगम के सामने आकर खड़ा हो गया। संजय के अपने प्यार को पाने की चाहत और अपने माता पिता के मौत का बदला लेने की ख्वाहिश गलत नहीं थी, लेकिन उसने जो तरीका अपनाया वो गलत था। संजय का प्लान तो अच्छा था, लेकिन उसके प्लान ने जेगम जैसे गुंडे के साथ संजय और रेशमा की भी जान ले ली। दो बेगुनाह जिंदगियों को वक्त से पहले ही खत्म कर दिया गया। बदले की आग में जलकर हमें कभी भी किसी गलत रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए, आज का ये एपिसोड ये सिखाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। भारत माता की जय। जय हिंद।